duration of the preparation will depend upon your personal circumstances and how much time you're able to dedicate to studying. To prepare for the FRM exam, you may want to consider a study program or a mentor. And there are a number of online and in-person courses available, and GAV also offers official study material. Zindagi hai to khwab hai, khwab hai to manzile hai, manzile hai to raaste hai to mushkile hai, mushkile hai to hausle hai, aur hausle hai to yakeen hai. Aur agar aapko yakeen hai ki aapka apna career risk mein banana hai, तो सबसे बेहतरीन उम्दा डिग्री आती है इन द डोमेन ऑफ रिस्क, दैट इज FRM. सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि और पूरा डिस्कस करेंगे द एंटायर रोड मैप ऑफ FRM इन 2024. FRM, इन केस यू आर अवेयर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस, इज अ वेरी रिप्यूटेबल रिस्क सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स. कोर्स इन्वॉल्व्स टू पार्ट्स कंप्राइजिंग ऑफ 10 सब्जेक्ट्स इन टोटल, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दो पार्ट्स में है. पार्ट 1 में आता है फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, चौथा वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल. और पार्ट 2 में आता है आपका मार्केट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, सेकंड क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, थर्ड ऑपरेशनल एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, फोर्थ योर लिक्विडिटी एंड ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट, फिफ्थ योर रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सिक्स्थ योर करंट इश्यूज इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द फाइनेंशियल मार्केट्स राइट नाउ. एंड जब आपके ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर हो जाते हैं, तो पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टू एग्जाम्स, द कैंडिडेट्स नीड टू फर्दर प्रोवाइड 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड विद इन 5 इयर्स ऑफ क्लियरिंग FRM पार्ट 2 एग्जामिनेशन. एंड अपॉन प्रोवाइडिंग द वर्क एक्सपीरियंस, द कैंडिडेट इज अवार्डेड विद द FRM डेजिग्नेशन. तो अब बात करते हैं कि फीस कितना है 2024 में FRM का. तो जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनका एनरोलमेंट फीस है $400 उनके लिए एप्लीकेबल है. जो रिटर्निंग कैंडिडेट्स हैं, इनके साथ पहले नहीं क्लियर हुआ है, तो उनको ये वाला फीस नहीं पे करना है. बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस का. जो मई 2024 का एग्जाम है, इसके 3 बार एग्जाम्स होते हैं, एक मई में, एक अगस्त में और एक नवंबर में. तो जो मई 2024 का जो एग्जाम है, उसकी अर्ली रजिस्ट्रेशन 31st ऑफ जनवरी को क्लोज हो गया था. उस टाइम पर फीस था $1,000 का, लेकिन अगर आपको मई का अटेम्प्ट देना है, तो आपको एक स्टैंडर्ड फीस लगेगा $1,200 का. ये डॉलर्स मींस यूएस डॉलर्स. आपके अगर अगस्त का अटेम्प्ट है, तो इसकी एग्जामिनेशन डेट होगी 9-10 अगस्त के आसपास. इसका रजिस्ट्रेशन इसका जो ओपन होगा एग्जामिनेशन का विंडो, ये होगा 1st मार्च को और क्लोज होगा 31st मार्च को. इसका अर्ली बर्ड का रजिस्ट्रेशन फीस है $1,000 और स्टैंडर्ड फीस है आपका $1,200 का, अगर आप 31st मार्च 2024 के बाद रजिस्टर करते हैं. उसके बाद आपका नवंबर 2024 की बात करते हैं, आपका अर्ली बर्ड फीस है $600 का, राइट. और इसका अर्ली बर्ड का रजिस्ट्रेशन खुलेगा जून में और जून 30th तक इसको क्लोज कर देंगे. और इसका स्टैंडर्ड फीस अगर आप जून 30th के बाद अगर आप रजिस्टर करते हैं फॉर नवंबर अटेम्प्ट, तो आपको स्टैंडर्ड फीस लगेगा $800. तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स फॉर 2024 अगर FRM पार्ट 2 की अगर आपको करना है तो. सो पार्ट 2 में मई 2024 की जो अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो निकल चुकी है. अब आपको स्टैंडर्ड फीस लगेगी $800 की. अगर आप रजिस्ट्रेशन इसका ओपन हुआ था 1st December 2023 को, अर्ली रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन निकल चुका है 31st of January 2024 का. अब बात करते हैं अगर आपने नेक्स्ट अगर आपको अगस्त का अटेंड देना है तो अगस्त में आपका जो पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फीस है वो है करीब करीब $800, मींस $800 आपको लगेगा. इसका ओपन होगा 1st मार्च को 2024 को. अर्ली रजिस्ट्रेशन चलेगा आपका 30th अप्रैल 2024 तक और रजिस्ट्रेशन इसका क्लोज हो जाएगा ऑन 30th जून 2024. और अगर आपको नवंबर 2024 का एग्जाम देना है, तो उसकी जो डेट्स है वो नवंबर 16 से 19 तक के बीच में होंगी टेंटेटिवली एग्जाम डेट्स. इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 1st मई 2024 को, 31st जुलाई 2024 तक अर्ली रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 30th सितंबर 2024 को. तो अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्मेट 2024 में किस तरह से होने वाला है. तो FRM का एक कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, जिसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन है और ये 3 बार किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया मई में, अगस्त में और नवंबर में. एंड दिस एग्जामिनेशन इज ऑफर्ड ओनली इन इंग्लिश एंड शुड बी कंप्लीटेड इन 4 आवर्स और लेस. एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस एंड प्रिंटेड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट मेल. जो इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द मेल है वो एक्सेप्टेड नहीं होता है और इसमें सिर्फ जो GAV ऑथराइज्ड फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स होते हैं उसी को आप कैरी कर सकते हैं, जिसमें आते हैं आपका ह्यूलेट पैकेट का 12C कैलकुलेटर या टेक्सस इंस्ट्रूमेंट का BA2+ कैलकुलेटर या फिर ह्यूलेट पैकेट का 10B2 एंड ह्यूलेट पैकेट का 10B2+ या फिर
हरे पैकेट का 20 का कैलकुलेटर। तो ये स्टैंडर्डाइज हैं जो आपने ऑलरेडी प्री डिफाइन किए हुए हैं, तो आप यही वाले कैलकुलेटर्स लेके जा सकते हैं बिकॉज इसमें काफी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो अगर कैंडिडेट डिसाइड्स टू गिव पार्ट टू एग्जाम ऑन द सेम डे एज पार्ट वन, देन देयर पार्ट टू आंसर्स आर नॉट ग्रेडेड अंटिल दे पास पार्ट वन। तो आपका पार्ट वन होना जरूरी है अगर आप दोनों एग्जाम सेम तरीके से दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें इसको प्रिपेयर कैसे करना है एंड व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन गाइड फॉर 2024। पहली चीज, आगे का प्लान करते हैं। अभी फरवरी का मंथ चल रहा है 2024 का, सो इट इज एसेंशियल फॉर योर एफएम टू प्लान एंड शेड्यूल एग्जाम डेट्स एंड टाइमिंग इन एडवांस। मैंने इन द प्रीवियस अभी इसी वीडियो में अगर आपने देखा हो, मैंने सारी डेट्स आपको पहले से प्री डिफाइन करके रखी हैं। सो दिस विल हेल्प यू प्लान योर स्टडी जर्नी इफेक्टिवली। It is possible to complete both the levels of the exams within 1 year if you're able to study full time. And अगर आप जॉब कर रहे हैं तो rather mellow down on the ambition of giving both the attempts at the same time. हम जोश में दोनों ग्रुप्स के लिए अप्लाई कर देते हैं और बाद में फिर कहीं ना कहीं पर एक भी ग्रुप नहीं करता। आप दोनों ग्रुप्स के लिए तभी जाइएगा अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है और आप फुल फ्लेज्ड आप एज अ स्टडी वाले मोड में पढ़ रहे हैं। तो एज अ प्रोफेशनल आई थिंक इट्स टू डिमांडिंग बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ द प्रिपरेशन विल डिपेंड अपॉन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस and how much time you are able to dedicate to study. एक बात mind में रखिए, जो FRM का examination है, एक rigorous exam है, professional exam है, challenging certification है, that requires a significant amount of time and effort to prepare. So दूसरी चीज, आप target कीजिएगा जो सबसे पहले complicated topics है, and understanding the concepts is very important in FRM. Exam questions usually test your knowledge and application of concepts that you have learnt. So it is best advice to start with the most difficult topic area according to you. I've already told you all the subjects jo level 1 mein bhi hote hain aur level 2 mein bhi hote hain. So please make sure that you are actually understanding the topics rather than just studying about it. This will not only increase your level of comprehension of the subject material but also give you a confidence of having a monkey off your back. Yeah, chalo syllabus to complete ho gaya hai, meat of the syllabus jo difficult topics. Teesri cheez, get a mentor. To prepare for the FRM exam, you may want to consider a study program or a mentor. And there are a number of online and in-person courses available and GAAP also offers official study material. Hamare paas kaafi saare students aate hain FRM ke liye aur kehte hain ki yaar humne pehli self-study se kiya tha, nikal nahi paaye. What to do? Professional coaching for FRM from the Wall Street School. Aur Wall Street School mein hum focus karte hain on providing lectures and guidance so that the students can clear the exam with top course, top quota ke saath. Aur hamara ek live update hai results ka of FRM on our website along with the LinkedIn ID taki ekdam transparency rahe, aapko hamari quality ka saath ke saath pata chalta hai. Aur saath mein jo recorded session jo hum apne learning portal pe dete hain, those give you the freedom to learn at your own pace and allow you to revisit the concepts anytime and as much time as you want. So you, once you are a part of our ecosystem, you are our responsibility. जब तक आपका नहीं निकलता है तो last and not the least, आपको जो practice questions हैं and exams, they are the most important tools before the T-day, the examination से पहले. And it is essential to test yourself before giving the mock exam as it will help you boost confidence and help you figure out the topics you need to work on. Aur make sure कीजिए कि आप कम से कम 5 practices दे रहे हैं before the exam and give it a strict exam setting for a proper simulating experience. आपको लगेगा कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप real नहीं exam दे रहे हैं with the same timeline. Lastly, it's crucial कि आप अपना health को prioritize करें during the preparation before the day of the exam. Remember to get adequate sleep and avoid late night studying, especially in the last several weeks. क्योंकि राह बने खुद मंजिल, पीछे रह गए मुश्किल, साथ जो आए तुम. FRM एक quality degree है with recognition and validation throughout the world. If you are an FRM, you are an FRM for life. Let's build your risk career together with us. Also check out the placement page on our website. कितने सारे students हैं जिनका multiple companies में risk profile mein placement hua hai after they have completed the FRM certification. So good luck to all of you. Thanks for watching. And for more information, reach out to us at www.thewallstreetschool.com or call us at 99537-29651. Thanks for watching.